नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक है जो है हमारा रेक्टेंगल पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, तो रेक्टेंगल पोटेंशियल बैरियर का डायग्राम एक्चुअली आपको दिख रहा होगा। इसमें हमने क्या किया, एक्स एक्सिस में एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि जो आपका ग्राफ का ओरिजिन पॉइंट होता है वहां से हल्का सा एक बैरियर कर दिया, मतलब पोटेंशियल को एक वैल्यू दे दिया, सिंपली वी जीरो वैल्यू दिया, और वो x इक्वल टू a यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में a दूरी तक असल में वो वैल्यू कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और कंटिन्यू आगे बढ़ गए। इस डायग्राम को आप क्लियरली देखोगे आप अगर, तो इसके अंदर तीन रीजन हो गए, तीन क्षेत्र हो गए। पहला क्षेत्र आपके लेफ्ट साइड वाला होगा, दूसरा क्षेत्र आपका जो आपका पोटेंशियल का जो पूरा दीवार बना है इस प्रकार वो एक क्षेत्र हो जाएगा, और तीसरा क्षेत्र आपका राइट साइड वाला हो जाएगा। देखो उसे एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स में मैथमेटिकली किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो एग्जैक्टली वहां पर जो आपका पहला रीजन है, जो आपका लेफ्ट साइड में जो रीजन था आपका, वो रीजन क्या कहता है, फर्स्ट रीजन था आपका, वो कहता है कि x लेस देन 0, ओरिजिन किसको कहता है, आपका x इक्वल टू 0 आपका ओरिजिन पॉइंट था, उससे लेफ्ट साइड की तरफ का जो क्षेत्र है वहां पर देखो असल में कोई पोटेंशियल नहीं है ना। एग्जैक्टली पोटेंशियल तो क्या है, x 0 से लेकर के x इक्वल टू a इसके बीच ही पोटेंशियल भी जो रखा गया, तो इस लेफ्ट साइड पोटेंशियल क्या होगा आपका, 0 होगा। जो कि देखो एग्जैक्टली हमने यहां पे लिखा है कि जो पोटेंशियल x लेस देन जो 0 है उसके क्षेत्र में पोटेंशियल क्या होगा आपका, एग्जैक्टली 0 होगा। और देखो जो x इक्वल टू 0 यानी कि ओरिजिन पॉइंट से लेकर के किसी दूरी x इक्वल टू a तक आपका पोटेंशियल कितना है, v0 पोटेंशियल, वो भी नियर पोटेंशियल है। ठीक है, मैंने एग्जैक्टली उसको v0 लिख दिया। ठीक है, सेकंड रीजन के लिए, और थर्ड रीजन जो कि x इक्वल टू a के इधर का रीजन, राइट साइड का रीजन है, वहां पर भी कोई पोटेंशियल नहीं है, एग्जैक्टली है, तो वहां पे क्या हो गया, तीसरा रीजन जो x इक्वल टू a हो गया, वहां भी कोई पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल केवल 0 हो गया। तो एग्जैक्टली हमारे को जो पोटेंशियल डायग्राम दिखाया गया इसका जो मैथमेटिकली जो वे हो गया वो इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पे देखो एग्जैक्टली ये जो आपका v0 है असल में वो एग्जैक्टली क्या है, आपका बैरियर का हाइट है। सिंपल तो कहीं चलिए अपन इसको क्लासिकल मैकेनिक की तरह सोचें अपन, ठीक है, तो सिंपल मान लेते हैं कि कोई धावक दौड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई हैडल लगाया हुआ है, ठीक है, हैडल मतलब कोई बाधा लगाई हुई है। अब क्या होगा कि धावक अगर उस हैडल के ऊपर से कूदना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, उसे जितनी हैडल की हाइट है उस हैडल की हाइट से ऊपर जंप करना पड़ेगा, और अगर वो नीचे जंप करेगा तो क्या होगा, वो हैडल से टकराएगा और वो गिर जाएगा, वो उसके आर पार नहीं निकल सकता। तो सिंपल यहाँ पर भी वही हेडल की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है कि जो v0 है वो बैरियर हाइट है, मतलब उस बाधा की हाइट रखी गई है, और एग्जैक्टली बैरियर विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई कितनी रखी गई है, वो जो हेडल है उसकी चौड़ाई कितनी रखी गई है, वो एग्जैक्टली a हाइट रखी गई है। ठीक है, सॉरी विड्थ रखी गई, जो डायग्राम देख रहा होगा x0 इक्वल टू xa रखी गई है। अब देखो क्लासिकल मैकेनिक के हिसाब से हम देख रहे हैं कि धावक अगर उससे ज्यादा जंप करता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसके पार निकल जाएगा, और अगर कम जंप करता है उससे तो क्या होगा, वो इधर ही रह जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम एक पार्टिकल के केस में लेते हैं कि पार्टिकल अगर मान लिया हेडल की हाइट इतनी है, अगर पार्टिकल इस हेडल की हाइट से अगर नीचे के क्षेत्र में आ रहा है तो क्या होगा, वो इस क्षेत्र से टकराएगा और वापस चला जाएगा, यानी कि वो इसके आर पार नहीं हो सकता क्योंकि वो इस बैरियर की हाइट जितनी उसकी हाइट नहीं है। सेकेंड केस लेते हैं कि अगर पार्टिकल की हाइट अगर बैरियर की हाइट से ज्यादा है तो क्या होगा, पार्टिकल से आर पार हो जाएगा और वो वहां से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सिंपल इसी केस को यहाँ मैथमेटिकली शो किया गया, क्लासिकल केस शो किया गया। क्या शो किया गया अपने को कि अगर आने वाला जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी अगर ई है, ठीक है, और वो लेस देन पोटेंशियल है, मतलब v0 से, मतलब ई बैरियर की जो हाइट है ना कि इससे कम हाइट का आया है, मतलब या इसको अगर आप एनर्जी मानते हो तो ये पार्टिकल इससे कम एनर्जी का आया है, ई लेस देन v0, उस कंडीशन में हमें क्या दिखाई देगा कि पार्टिकल उसको पार नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपली मैं कहूं कि उसकी आने वाले पार्टिकल की जो एनर्जी होगी उसे अपन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा के फॉर्म में, जो एग्जैक्ट क्या होता है आपका 1/2 mv² होता है, तो वो 1/2 mv² हो गया, और वहां से अपन एक वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो v1 वेलोसिटी हो जाएगी आपकी। सिंपल में कुछ नहीं किया मैंने, v² से मैंने v1 का वैल्यू निकाला। ठीक है, और हम क्या देखेंगे कि पार्टिकल जो होगा वो असल में उस दीवार से टकराएगा और वापस चला जाएगा, मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन हुआ उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से।
ठीक है, और इसे कहा गया है कि 100% रिफ्लेक्शन होगा, स्वाभाविक सी बात है, और कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, मतलब उसके आर पार नहीं निकल सकता, तो रिफ्रैक्शन कॉफिशियंट जो होगा वो 100% होगा, ठीक है, या उसका कॉफिशियंट 1 होगा, और ट्रांसमिशन जो होगा क्या होगा वो 0% होगा। दूसरा केस लेते हैं ये वाला, इस केस में देखो एग्जैक्टली कि वो e ग्रेटर देन v जीरो, यानी कि अब इस पार्टिकल की जो हाइट है वो इस बैरियर से ज्यादा है, ये इस बैरियर को अपन एनर्जी माने, अगर तो इस पार्टिकल की एनर्जी जो इस बैरियर की एनर्जी से क्या है, ज्यादा एनर्जी है आपका, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ये कह रहा है कि उस स्थिति में पार्टिकल की जो एनर्जी वो क्या होगी, 1/2 mv² होगा, ठीक है, और वहां पर आप v1, यानी देखो अब क्या होगा कि पार्टिकल अब इस क्षेत्र को पार करेगा, पहले क्षेत्र को क्या करेगा, पार कर देगा, ठीक है। इसको एग्जांपल थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मान लिया यहाँ जो बैरियर है, ठीक है, आपका जो उससे एग्जैक्टली थोड़ी भीड़ मान लेते हैं, मान लिया 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, यहाँ 10 लोग खड़े हैं इस एरिया में, ठीक है, और कोई व्यक्ति यहाँ से भागता हुआ आ रहा है, तो क्या होगा कि भागता हुआ व्यक्ति जब एनर्जी से आएगा, गतिज ऊर्जा से आएगा, वो क्या करेगा, इस जो 10 लोग खड़े हैं इसको पार करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा जब वो इसको पार करने की कोशिश करेगा, उसका उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर उसकी गतिज ऊर्जा इस 10 पार्टिकल को, मान लिया वो जो भी आपने मैंस माने या पर्सन माने, उनको पार करने लायक होगी, तो उनको पार करके बाहर निकलेगा, वरना क्या होगा, वो इसी के अंदर अटक जाएगा, सिंपल सी बात है। ये वो कह रहा है कि पार्टिकल का जो उस रेक्टेंगल बॉक्स में लेफ्ट साइड का जो एरिया, प्रथम जो एरिया है, उसके अंदर पार्टिकल के पास एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो इस बैरियर को पार कर सकता है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, वो उस बैरियर को फर्स्ट रीजन पार कर देगा, वहां वेलोसिटी क्या रहेगी, सिंपल ये बन जाएगी ऊपर वाली है। सेकंड में क्या होगा कि इसमें इस बैरियर का जितना एनर्जी है वो एनर्जी इसमें से घट जाएगा, सिंपली वो जितनी गति से आ रहा है यहां जो कुछ लोग खड़े हैं उनसे वो टकराएगा, तो टकराएगा तो क्या होगा, इस पूरी लोगों की एनर्जी को वो क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इन लोगों की एनर्जी जितनी थी, जिसको इतनी एनर्जी उसने काम में ली इन लोगों को पार करने में, वो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो सेकंड जो उसकी वेलोसिटी, सेकंड रीजन में उसका जो सेकंड क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उसकी जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल, वो क्या होगा, एग्जैक्टली आपका वी जो सेम वही होगा, बस इस एनर्जी की खुद की एनर्जी में वी जीरो पोटेंशियल कम हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये आपका सेकंड रीजन कंडीशन है। और थर्ड रीजन में क्या होगा, थर्ड रीजन में वो एग्जैक्टली फ्री हो जाएगा, मतलब अब कोई उसके आगे बैरियर नहीं है, तो आराम से मूव कर सकता है। तो थर्ड रीजन में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वापस एग्जैक्टली 2e/m हो जाएगा। इस स्थिति में हम क्या नोट कर रहे हैं कि वहां पर कोई परावर्तन नहीं हो रहा है ना, वो आर पार निकल रहा है, मतलब वहां परावर्तन 0% हो रहा है, और वहां पर ट्रांसमिशन जो है एग्जैक्टली आपका, ठीक है, आर पार निकलना, वो एग्जैक्टली 100% हो रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये हमारा क्लासिकल केस था जो हमने स्टडी किया। अब हम स्टडी करेंगे इसको क्वांटम वाले केस में। देखो पहला वाला केस लेता हूँ, पहला केस क्या था, एग्जैक्टली आने वाली पार्टिकल की एनर्जी आपके बैरियर, आपका हेडल है, उसकी एनर्जी से कम है, ठीक है, किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। देखो एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स केस में लेते हैं, एनर्जी लेस देन वी जीरो है, उस वक्त क्या होगा, क्लासिकल के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट होगा, आर पार नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन क्वांटम में क्या होता है, एग्जैक्टली नोट करते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, लेट पोटेंशियल वी जीरो इज कांस्टेंट, क्योंकि आपका वो आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें एग्जैक्टली वो डायग्राम देखो, आप ऊपर का जो हाइट लेवल है वो क्या बराबर है, मतलब पोटेंशियल एक जैसा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वी यूज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी भी पार्टिकल को सॉल्व करते हैं हम एग्जैक्टली वेव मानते हैं, और उसका हमेशा एक वेव फंक्शन लिखते हैं, और उस वेव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमने एक ऑपरेटर मैकेनिक्स बना रखी है जिसे श्रोडिंगर इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए सेपरेट लेक्चर अलग से बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखो एग्जैक्टली ये इक्वेशन सिंपली इस प्रकार लिखी गई है, यहाँ पर क्या है, ये एग्जैक्टली हमारे वेव फंक्शन का डबल डिफरेंशिएट किया गया है पोजीशन स्थिति के हिसाब से, ठीक है। ये एग्जैक्टली फैक्टर लगा हुआ है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर है और ये आपका टोटल एनर्जी का फैक्टर है, असल में ये काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर है और ये पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर है। अब देखो एग्जैक्टली फर्स्ट रीजन, पहला क्षेत्र लेते हैं उस डायग्राम में, लेफ्ट साइड में जो पहला क्षेत्र है वो लेते हैं, उस क्षेत्र के अंदर एग्जैक्टली क्या होगा, आपका पोटेंशियल क्या एग्जैक्टली 0 है प्रथम क्षेत्र में आपका। तो देखो ये इक्वेशन जो है इसमें मैं पोटेंशियल की वैल्यू रखूंगा Vx=0, यहां 0 वैल्यू रखूंगा, ये फंक्शन पूरा बैक हो जाएगा, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 0 हो जाएगा, ये वाला फंक्शन जो होगा केवल ये 0 होगा, तो दो फंक्शन बचेंगे, एग्जैक्टली
यहाँ देखो एक्जेक्टली मैंने क्या किया, इस माइनस को इधर सेंड किया तो ये कंपोनेंट किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इस फैक्टर को मैंने इधर डाल दिया, ठीक है। और एक्जेक्टली मैंने नई इक्वेशन इस प्रकार बनाई है ना, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन मैंने गोगो को लिखा, इस इक्वेशन में ये जो पैरामीटर है ठीक है 2m/h² इसको एक्जेक्टली मैंने k स्क्वायर मान लिया, ठीक है, मैंने सिंपल से k स्क्वायर मान लिया, k स्क्वायर की वैल्यू मैंने इसे मेंशन कर दिया 2me/h² और ये एक्जेक्ट इक्वेशन इस प्रकार हो गया। इस इक्वेशन को आप हल्का सा गौर से नोटिस करो, ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है, ये SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये एक्जेक्ट हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, किसके लिए, इस वाले केस के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, देखो सेकंड पार्ट जो होगा मेरा वो रीजन 2 का होगा, जहां पर पोटेंशियल मेरा क्या है वो एक्जेक्टली V0 पोटेंशियल है, ठीक है। V0 पोटेंशियल इस क्षेत्र के लिए, यहां मैंने क्या किया, ये जो V0 है एक्जेक्टली मैंने इस यहां पर क्या लिख दिया, V0 लिख दिया, इस वाले फंक्शन को इधर सेंड किया, तो ये फंक्शन किसका है, माइनस का होगा, तो यहां क्या हो जाएगा V0-E और कोष्ठक में साई आ जाएगा। सिमिलर इस प्रकार V0-E कोष्ठक में साई, आप ट्राई करना। फिर मैंने क्या किया, देखो इस फंक्शन को ऐसे ही रखा, इस फंक्शन को मैंने नीचे की तरह बना दिया, तो ये जब ये माइनस कर दिया है क्या हो जाएगा, सबका माइनस हो जाएगा, और यहां इसके ऊपर क्या आएगा जी, क्या 2m/ आपका h² और एग्जैक्टली V0-E, ठीक है, और आपका साई x=0, ये एग्जैक्टली मेरा न्यू इक्वेशन बनेगा, ठीक है। आप देखो इस इक्वेशन को भी मैं एग्जैक्टली इस फैक्टर की तरह लिख सकता हूं, ठीक है, वो किस प्रकार, इस प्रकार लिखूंगा मैं t²(ψx)(x²), और यहाँ पे माइनस इसका मैंने अल्फा स्क्वायर लिख दिया, और एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर ψx=0 कर दिया। यहाँ पे मैंने अल्फा स्क्वायर क्या माना, एग्जैक्टली मैंने ये एग्जैक्टली अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है रूट है ना, और आपका 2mh², ठीक है, और आपका V0-E इसके बराबर है, क्लियर हो गया। अब देखो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया, किसके, हमारे सेकंड रीजन के लिए, ठीक है। अब हम डील करते हैं थर्ड रीजन के लिए, थर्ड रीजन में भी क्या है, पोटेंशियल बैरियर आपका कितना है, 0 है, पोटेंशियल 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन सिमिलर इस प्रकार ही सॉल्व होगी जो ये इक्वेशन सॉल्व हुई थी। मैंने देखो सेम वही इक्वेशन लिखा है, बस केवल चेंज क्या हुआ, वहां पे साई जो है वो जैसे क्या गया आपका 3 आ गया, ठीक है। यहां पे क्या देखिए आपका साई 1 था, यहां पर एग्जैक्टली मैं लिख देता हूं, यहां पर ये साई 1 के लिए, मतलब ये पहले फंक्शन के लिए सॉल्व किया गया, ठीक है। यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ, यही कंडीशन एग्जैक्टली यहां वाली कंडीशन ही सेम ये वाली कंडीशन है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये फंक्शन इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, और यहां k स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम वैसे होगी जो वहां पर है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली हम देखते हैं कि हमने जो तीन इक्वेशंस निकाली है, ठीक है, तीन सॉल्यूशंस निकाले हमने, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये रहा, थर्ड इक्वेशन निकला, इन तीनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो एग्जैक्टली तीनों इक्वेशंस हमारे किसकी इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशंस है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशंस के कई सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम यहां पर एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन काम में लेंगे। देखो मैंने तीनों इक्वेशन के सॉल्यूशन को मेंशन किया है, देखो x<0> ये आपका पहला क्षेत्र है, ठीक है, आपका ये आपका सेकंड क्षेत्र है, ये आपका थर्ड क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्र के सॉल्यूशन लिखो। मतलब देखो पहले इक्वेशन के मैंने क्या सॉल्यूशन लिखा कि यहां पर साई 1 का सॉल्यूशन क्या होगा कि a e की पावर i kx, ये वाला जो फैक्टर है असल में ये फैक्टर शो करता है कि पार्टिकल आएगा, मतलब राइट साइड से आने वाला पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल, और ये वाला पोर्शन क्या शो करता है कि पार्टिकल टकरा के वापस जाएगा, ये एग्जैक्टली क्योंकि फर्स्ट रीजन में क्या होगा, पहले रीजन में पार्टिकल का जो एनर्जी है वो अपने इस बैरियर से कम है एग्जैक्टली, तो पार्टिकल क्या करेगा, आएगा और वापस आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आने के लिए उन्होंने ये फंक्शन लिखा और पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर जब वापस की तरफ जाएगा, ठीक है, तो उन्होंने ये वाला फंक्शन लिख दिया, ठीक है। सिमिलर देखो रीजन 2, सेकंड रीजन क्या कहती है कि इन केस है ना, वैसे हालांकि पॉसिबल होगा या नहीं होगा हम आगे देखेंगे, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ कि पार्टिकल उस बैरियर को पार कर जाएगा, हालांकि पार्टिकल की एनर्जी कम है उस बैरियर से, फिर भी अगर वो पार कर जाता है, अगर वो ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा कि वो उस बॉक्स के अंदर चला गया, अब यहां से एंटर हुआ हो तो एंटर होने के बाद क्या करेगा, इस वाले पोर्शन से की तरफ जाएगा, तो वो राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए उन्होंने ये फंक्शन लिख दिया, ठीक है। और अल्फा कौन सा वाला एग्जैक्टली आपके, ये वाला अल्फा है,
ठीक है, और वो पार्टिकल यहां से टकरा के वापस भी आ सकता है, ठीक है, उसके लिए इन्होंने ये वाला फंक्शन लिख दिया, ठीक है। और सिमिलरली तीसरी वाली स्थिति में क्या हुआ कि जब वो पार्टिकल यहां से एंटर हुआ, इस बॉक्स के अंदर आया और हो सकता है इस बॉक्स को भी पार कर जाए, उस स्थिति में पार्टिकल के जाने का जो फंक्शन होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, ये वाला फंक्शन राइट साइड का। और इन केस वो वापस आ जाएगा कहीं से टकरा करके, तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा एग्जैक्टली आपका, ये वाला फंक्शन। ये तीनों जो इक्वेशंस हैं हमारी, जो सॉल्यूशंस हैं हमारे, वो शो करते हैं जो नेचुरली हम लोग सोचते हैं उसी के बारे में एग्जैक्टली शो करते हैं। अब देखो एग्जैक्टली देखते हैं कि इन सॉल्यूशंस को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें एग्जैक्टली एक ही वैल्यू चाहिए, एक ही वैल्यू पता लग जाएगी तो हमें पूरा फंक्शन वहां पे फाइंड आउट हो जाएगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए असल में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ेगी, ठीक है। देखो बाउंड्री कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट देखो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, कि बाउंड्री कंडीशन फॉर सॉल्यूशन, ठीक है, इनके सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वेव फंक्शन साई एक्स, जो आपका पार्टिकल का वेव फंक्शन है, मतलब तरंग जो फलन है आपका, एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, शुड बी कंटिन्यूस, और वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। कहां पर सतत होना चाहिए, वो x इक्वल टू a, मतलब ये कहने का मतलब है आपको पोटेंशियल जो आपका वो दिखा होगा आपको डायग्राम में, वो कह रहा है कि राइट साइड से जो पार्टिकल उस दीवार पे टकराएगा, ठीक है, तो वहां पर जो पार्टिकल का जो फंक्शन होगा वो ठीक वैसा ही फंक्शन होगा जो कि सेकंड वाली स्थिति में सेकंड रीजन का फंक्शन भी होगा। मतलब क्या कि वो एक ऐसी दीवार है जिसके इधर तो क्या है आपका पहला वाला रीजन है, इसके इधर क्या है एग्जैक्टली वो सेकंड वाला रीजन है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वेव फंक्शन तरंग जो फलन है वो दोनों एक ही फलन हो जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है, दोनों का व्यवहार उस दीवार पे क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। इसको अपन सिंपल समझते हैं एग्जैक्टली अपन, कि अगर मैं एक कोई भी बर्तन के अंदर नीचे वाले सरफेस में पानी डाल देता हूँ, या फिर गिलास ले लेता हूँ, ठीक है, एक कांच का गिलास लिया मैंने, उसमें पहले पानी डाल दिया, फिर मैंने उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, तो सिंपली क्या होगा, ऑयल होगा वो पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन आप उसको गौर से देखो तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर पानी और ऑयल दोनों जो है, मतलब है ना, ऑयल आपका तेल और पानी जो दोनों है आपका, वो समझ में दोनों को टच कर रहे होते हैं आपस में। उस परत के ऊपर क्या होता है, पानी और तेल दोनों मिक्स हुए होते हैं एग्जैक्टली, और दोनों की उस पोजीशन के ऊपर दोनों की स्टेट क्या होती है कि वहां पानी भी है और वहां पे तेल भी है। सिमिलर इसी प्रकार हमारे इस वाले पोटेंशियल वाले जो डायग्राम में देख रहे हो कि जो वो आपका एक्स इक्वल टू जीरो पर जो पोटेंशियल की हाइट है, उस हाइट के ऊपर इधर वाले क्षेत्र का वेव फंक्शन और इधर वाले क्षेत्र का वेव फंक्शन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब दोनों सतत होंगे, और उनके डेरिवेटिव मतलब उनमें जो अंतर होगा, जो चेंज होगा, वो भी दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये बाउंड्री कंडीशन अपन ने लगाई है, ठीक है। देखो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ, साई वन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर जो वेव फंक्शन, पहले रीजन का वेव फंक्शन और दूसरे रीजन का वेव फंक्शन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, पता लगे किसका बराबर होंगे आपके, ठीक है, और उनके डेरिवेटिव, ठीक है, यानी उनके डिफरेंशिएशन, ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, तो दोनों चीज बराबर हो गई। अब देखो एग्जैक्टली हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं हमारे इस वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है, कि साई वन इक्वल टू साई टू किस पॉइंट पर गए, एक्स इक्वल टू जीरो का। तो देखो अप्लाई करते हैं, x equal to 0 के वैल्यू अप्लाई करता हूं, तो यहां क्या होगा, x के वैल्यू 0 हो जाएगा, यहां x के वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, और e की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और e की पावर 0 का वैल्यू यहां भी क्या होगा, 1 होगा। तो देखो ये फंक्शन जो है हमारा, यानी जो साई वन जो फंक्शन है हमारा, वो क्या बनाएगा, एग्जैक्टली साई वन x equal to 0 के ऊपर a प्लस आपका b बनेगा, ठीक है, ये फंक्शन में क्या 1 के बराबर, ये फंक्शन क्या होगा, 1 के बराबर हो गया। अब देखो सेकंड साइड 2 पर अप्लाई करता हूं, इस फंक्शन पर अप्लाई करता हूं, ये भी दोनों एक्सपोनेंशियल की फंक्शन है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, e की पावर 0, उसको लिख क्या होगा, इसका आपका 1 होगा, यहां वैल्यू जैसे का 1 हो जाएगा, मतलब आपका फंक्शन जो होगा वो फंक्शन साइड 2 जो होगा, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 के ऊपर क्या हो जाएगा, f प्लस आपका g हो जाएगा, और हमारी जो पहली कंडीशन है उसके साथ दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ आपका, कि साई वन इक्वल टू आपका साई टू, ये इंडिकेशन देता है ए प्लस बी इक्वल टू आपका एफ प्लस आपका जी, ये हमारी इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं अपन सेकंड वाली इक्वेशन, ठीक है, मतलब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। देखो इस फंक्शन का साई
वन का मैं डिफरेंशिएशन, मतलब मैंने एक डैश लगा दिया, मतलब क्या हुआ, ये डिफरेंशिएशन कर रहा हूं उसका, ठीक है। वो डिफरेंशिएशन किसके ऊपर करना है मुझे, वो डिफरेंशिएशन करना है मुझे इसका, ठीक है। ए आपका कांस्टेंट ऐसा का ऐसा रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपका ई की पावर वापस इतना ही हो जाएगा, आई के एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका, आई होगा के आ जाएगा, क्लियर हो गया। प्लस आपका यहां पर बी होगा एग्जैक्टली, और यहां पर क्या होगा एग्जैक्टली, ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, वही डिफरेंस हो जाएगा देखिए आपका, और माइनस आयोटा के आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा इसलिए आपका, ठीक है, ये हो गया डिफरेंस आपका। और देखो एग्जैक्टली जब मैं एक्स इक्वल टू जीरो पर वैल्यू पुट करूंगा, तो ये देखो ये फंक्शन तो साइबर है मेरा, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा पूरा, तो यहां बच जाएगा एग्जैक्टली आपका ए, ठीक है, और आयोटा के, यहां भी देखो एग्जैक्टली आयोटा के है, यहां भी आयोटा के, मैं दोनों कॉमन ले लेता हूं, पर ये माइनस एग्जैक्टली क्या करेगा, बाहर आ जाएगा ए माइनस बी और आपका आयोटा के, ये एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप एग्जैक्टली इसको परफॉर्म करके देखना, ठीक है, आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अब वो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब सिमिलरली अगर मैं दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूं, जैसे देखो यहां पे क्या होगा एग्जैक्टली सेम वही होगा आपका f e की पावर अल्फा और आपका x और cos θ में अल्फा देगा एग्जैक्टली आपका, यहां एग्जैक्टली आपका क्या देगा प्लस आपका g और e की पावर माइनस अल्फा x आपका और cos θ में माइनस अल्फा देगा एग्जैक्टली आपका। और आप अगर यहां पर psi 2 में अगर वैल्यू पुट करते हो तो क्या होगा, ये 0 1 हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा आपका अल्फा बचेगा और आपका f प्लस आपका g, सॉरी माफ करना, यहां पे माइनस g बचेगा, ठीक है। ये देखो ये दोनों कंडीशन मिल गई हमें, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों क्या होंगे एग्जैक्टली बराबर होंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, साई वन डैश इक्वल टू साई टू डैश होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ आपको, साई वन डैश इक्वल टू आपका साई टू डैश होगा, और एग्जैक्टली क्या होगा यहां से ये देखो ये वाला फंक्शन इस फंक्शन के बराबर हो जाएगा आयोटा के, ठीक है, ए माइनस बी इक्वल टू आपका अल्फा और आपका एफ माइनस आपका जी हो जाएगा, क्लियर हो गया। और यहां से देखो एग्जैक्टली मुझे एक इक्वेशन और मिलेगा, वो क्या मिलेगा यहां से कि ए माइनस बी इक्वल टू आपका अल्फा अपॉन आयोटा के, और एग्जैक्टली क्या होगा यहां से एफ माइनस आपका जी होगा, ये एग्जैक्ट मुझे इक्वेशन मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन एग्जैक्टली हो रहा होगा, एक इक्वेशन एग्जैक्टली ये वाला इक्वेशन, ठीक है, इसे वन दे देता हूं, इसे एग्जैक्टली मैं टू दे देता हूं। अब देखो फर्दर हमारा काम क्या है, हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो देखो फर्स्ट क्या करूंगा मैं, इन दोनों इक्वेशन को लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड जोड़ दूंगा, राइट साइड से राइट साइड से जोड़ दूंगा, दोनों इक्वेशन के बराबर पड़े, दोनों इक्वेशन को जोड़ने के ऊपर, ठीक है। सिंपल क्या होगा, ऐसे देखो एग्जैक्टली ए प्लस आपका बी प्लस आपका ए माइनस आपका बी, ठीक है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड जोड़ दिया इक्वल टू, ये क्या होगा एग्जैक्टली आपका एफ प्लस आपका जी, इसको एग्जैक्ट में ओपन करके लिख देता हूं, ठीक है, प्लस आपका सॉरी यहां माइनस होगा, ठीक है, एफ प्लस हां यहां प्लस जी होगा, और ये प्लस आपका अल्फा आयोटा के एफ माइनस अल्फा आयोटा के और आपका जी, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने ओपन कर दिया। अब सिंपल देखो एग्जैक्टली यहां से बी से भी कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आपका टू ए बचेगा, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां भी f है यहां भी f है, f एग्जैक्टली क्या होगा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये एग्जैक्टली मैंने f कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा एग्जैक्टली आपका 1 बचेगा और ये प्लस आपका अल्फा है ना आयोटा और k बचेगा, क्लियर हो गया। और यहां से देखो एग्जैक्टली सिमिलरली यहां भी मैं दोनों में g कॉमन ले लूंगा, ठीक है, तो g ठीक है इक्वल टू यहां से 1 और माइनस आपका अल्फा और आपका आयोटा और आपका k बचेगा, क्लियर होगा, सिंपल इक्वेशन हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं इक्वेशन, यहां देखो मैं आयोटा को ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा आयोटा अल्फा हो जाएगा और यहां आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस 1 होता है, तो मेरी इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, 2a इक्वल टू आपका f, ठीक है, और 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन आपका k, ये इक्वेशन एक तो हो गया, और यहां से वो प्लस आपका आपका g और 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन आपका एग्जैक्टली k, ये अपने को नेक्स्ट इक्वेशन यहां पर फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट में क्या करूंगा, ये वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन का एग्जैक्टली घटा दूंगा, ठीक है, तो सिंपल मैंने क्या किया देखो a माइनस आपका b आपका ये वाला फंक्शन आपका a प्लस b वाला है ना, और ये इक्वेशन माइनस कर दिया मतलब माइनस आपका a और माइनस आपका b कर दिया, ठीक है, और माइनस होगा देख सकते हो आपको प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा एग्जैक्टली देखो यहां पर
ये वाला जो फंक्शन होगा वो f प्लस g एक्जिट ऐसा कैसा रहेगा, f प्लस आपका g एक्जिट ऐसा कैसा रहेगा, और ये वाला इक्वेशन जो वो क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगा। मतलब क्या होगा यहां पर, मतलब ये तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका माइनस अल्फा अपॉन आयोटा के इज इक्वल टू f होगा आपका एक्जिट, और ये इक्वेशन से प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस आपका ठीक है अल्फा आयोटा के और एक्जेक्टली ये हो जाएगा आपका g हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो अगर तो आप इसको सॉल्व करके देखें आपको एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया, जो भी आपका देखो यहाँ a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एग्जैक्ट क्या होगा 2b बचेगा, 2b बचेगा, और एग्जैक्ट क्या होगा यहाँ देखो एग्जैक्ट f और f से कॉमन ले लूंगा मैं। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट f को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 आपका। ठीक है, और एग्जैक्ट नहीं तो माइनस बचेगा आपका, माइनस आपका ठीक है अल्फा और अपना जो है वो आयोटा के, आयोटा के नीचे बचेगा। मैं आयोटा को ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो क्या होगा, नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, सॉरी हाँ मतलब 1 होता है, ठीक है माइनस 1 होता है, और ये ऊपर आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो एग्जैक्टली ये आयोटा हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। एग्जैक्ट देखो यहाँ कॉमन में माइनस आया, लेकिन मैंने आयोटा को ऊपर नीचे गुणा किया इसलिए इक्वेशन प्लस में मिला। ठीक, सिमिलर इस प्रकार नेक्स्ट क्या करूंगा, एग्जैक्ट देखो यहाँ पर प्लस आपका जी है ना, और एग्जैक्ट ये देखो यहाँ पर ये जी जब कॉमन होगा तो क्या होगा यहाँ 1 और प्लस होगा, आयोटा को ऊपर से गुणा करोगे तो क्या होगा माइनस आ जाएगा, मतलब आपका 1 माइनस आपका आयोटा अल्फा और आपका एग्जैक्टली के और एग्जैक्टली ये हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली मुझे दो नई इक्वेशन मिली, एक इक्वेशन जिसमें ये वाली मिली, एक इक्वेशन जिसमें ये वाली मिली। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन को होगा डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, सिंपल क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वेशन क्या होगी यहां देखो b ठीक है अपॉन आपका a, ये एग्जैक्टली मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका रिजल्ट एग्जैक्टली में डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करके देखना क्या रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, देखो सिंपल रिजल्ट क्या आएगा आपका एग्जैक्टली f, मैं एग्जैक्ट इसको कर देता हूं f आपका, और ये आएगा 1 यानी k प्लस आयोटा अल्फा। ठीक है, और ये आएगा आपका g प्लस आपका g। ठीक है, और k माइनस आयोटा अल्फा, और नीचे वाली जो इक्वेशन है वो क्या यूज की आपकी f equal to 1 plus iota alpha, और exactly ये 2 वाली है ये exactly minus होगा। ठीक है, और यहाँ पे k होगा k minus iota alpha, और ये होगा k plus iota alpha, g equal to k plus आपका iota alpha। देखो ये जो equation आया b बटाए ये बहुत ही important equation है हमारा। ठीक है, इसी इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग इसको नेक्स्ट वहां पर सॉल्व करेंगे। तो एग्जैक्ट देखो नेक्स्ट इसको मैं एग्जैक्टली यहां पर सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट हम एग्जैक्टली एक दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, वो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी देखो, सेकंड बाउंड्री कंडीशन की वेव फंक्शन साई एक्स जो होगा एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। देखो जो आपका सेकंड रीजन है और जो आपका थर्ड रीजन है उसके जो बाउंड्री है उस बाउंड्री यानी बाउंड्री x इक्वल टू a पर है, उस बाउंड्री के ऊपर जो उस सेकंड रीजन का जो फंक्शन होगा और थर्ड रीजन का जो फंक्शन होगा वो दोनों क्या होंगे एक जैसे होंगे, वहां पे कंटीन्यूअस होंगे, और उनके डेरिवेटिव भी क्या होंगे एग्जैक्टली कंटीन्यूअस होंगे। जो कंडीशन हमने वहां अप्लाई किया था पहले वही कंडीशन हम यहां अप्लाई करेंगे। देखो एग्जैक्टली फर्स्ट में ये कंडीशन अप्लाई करता हूं x इक्वल टू a के ऊपर, किस पर, सेकंड फंक्शन पर और थर्ड फंक्शन पर। तो एग्जैक्टली यहां से क्या होगा साई 2 फंक्शन जो है ठीक है वो एग्जैक्ट मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा f ठीक है e की पावर अल्फा a। ठीक है, और यहां से क्या मिलेगा तो आपका g e की पावर माइनस अल्फा ठीक है और आपका a, और एक ये जो फंक्शन होगा और आपका जो साई 3 जो फंक्शन होगा वो ये साई 3 जो फंक्शन होगा एग्जैक्ट इस फंक्शन के लिए देखो एक बाउंड्री कंडीशन और लगाई गई है। वो बाउंड्री कंडीशन क्या लगाई गई है कि आप देख रहे हो कि अगर वो दूसरे क्षेत्र सेकंड रीजन से पार होकर के तीसरे रीजन की तरफ चला गया, हमने कंडीशन क्या लगाई है कि वो पार्टिकल जहां से निकल चुका है आगे दिख रहा होगा आपको एग्जैक्टली, तो सामने है ना कोई भी ऐसा पोटेंशियल नहीं है जिससे कि वो टकरा के वापस आ सके, उस स्थिति में जो हमारे रिफ्लेक्ट होके वापस आने वाला फंक्शन है ये एग्जैक्टली ये फंक्शन क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन एग्जैक्टली अस्तित्व में नहीं रहेगा।
कंडीशन क्या है कि पार्टिकल दूसरे क्षेत्र से निकलने के बाद में वापस परावर्तित होकर के नहीं आएगा, तो केवल जाएगा। जाने का फंक्शन आपका ये है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली साई थ्री जो फंक्शन है आपका, साई थ्री फंक्शन होगा वो एग्जैक्टली क्या लिखा जाएगा, सी ई की पावर आपका आयोटा के और आपका ए लिखा जाएगा। इस कंडीशन के हिसाब से दोनों फंक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि देखो एग्जैक्टली आपका साई टू इक्वल टू आपका साई थ्री, इसका मतलब क्या होगा, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा कि आपका एफ ई की पावर एल्फा ए प्लस जी e की पावर माइनस अल्फा और आपका ए इक्वल टू आपका सी e की पावर आयोटा के और आपका ए। ये एग्जैक्टली आपको रिमेंबर रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अप्लाई करते हैं, मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा और एग्जैक्ट फंक्शन को लिखूंगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जी आपका, साई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी आपका, एफ e की पावर अल्फा ए गुणा में आपका अल्फा होगा और यहाँ माइनस होगा, इस माइनस की वजह से माइनस आपका जी ई की पावर माइनस एल्फा ए डॉट आपका एल्फा, ठीक है। और एक्चुअली आपके साई थ्री जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या होगा जी आपका सी ई की पावर आयोटा के और कॉस थीटा में आयोटा के होगा। और इस कंडीशन दोनों क्या होगा जी आपके बराबर होंगे, इसके हिसाब से क्या होगा जी आपका साई टू डैश इक्वल टू आपका साई थ्री डैश बराबर क्या होगा आपका f, ठीक है, e की पावर अल्फा a माइनस g e की पावर माइनस अल्फा a कोष्टक आपका अल्फा, ठीक है, ये हमें कोष्टक में लिया और शुड बी इक्वल टू दिस फंक्शन, मतलब आपका आयोटा k, ठीक है, और एग्जैक्टली आपका डॉट में आपका c और e की पावर आयोटा k और आपका a होगा, क्लियर हो गया। अब देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन इनमें एग्जैक्टली मैं डिवाइडेशन करता हूं, ठीक है, यानी कि ये वाली इक्वेशन जो है इससे मैं डिवाइड कर देता हूं। तो सिंपल क्या होगा एग्जैक्टली, इस इक्वेशन क्या होगा आपका f, ठीक है, e की पावर अल्फा a, ठीक है, प्लस आपका g, ठीक है, e की पावर माइनस अल्फा a इक्वल टू आपका c e की पावर आयोटा k a, है ना, और यहां पर डिवाइड हो जाएगा आपका आपका अल्फा और एग्जैक्टली आपका ये हो जाएगा f e की पावर अल्फा a माइनस g e की पावर माइनस अल्फा a अपॉन आपका, ठीक है, आयोटा k डॉट आपका c e की पावर आयोटा k a। नेक्स्ट आपको इक्वेशन मिला, ठीक है। अब जो मैंने देखो इस इक्वेशन में ये वाला पोर्शन देखो जी, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों के एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, केवल आयोटा के यहां बचेगा। यहां देखो एग्जैक्टली इससे मैं अल्फा को इधर ले जाता हूं और f e की पावर अल्फा a को मैं कॉमन ले लेता हूं, रिमेंबर रखना f e की पावर अल्फा a को मैं कॉमन ले रहा हूं। देखो एग्जैक्टली यहां पर f e की पावर अल्फा a कॉमन आएगा, वो क्या आएगा एग्जैक्टली आपका, वो आएगा 1 प्लस आपका g अपॉन आपका f और e की पावर माइनस टू ए अल्फा और आपका a, ठीक है, एग्जैक्टली होगा और अपॉन आपका होगा यहां से इक्वल टू आपका f अपॉन आपका आयोटा k और यहां पर होगा आपका एग्जैक्टली f e की पावर अल्फा a और एग्जैक्टली यहां से 1 माइनस आपका g अपॉन आपका f और e की पावर माइनस टू अल्फा ये होगा एग्जैक्टली इस प्रकार और एग्जैक्टली बराबर में ये यहां एग्जैक्टली यहां हो जाएगा। देखो एग्जैक्टली ये आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है, इस इक्वेशन मैंने क्या किया f e की पावर अल्फा को एग्जैक्टली मैंने कॉमन लिया दोनों में ऊपर नीचे एग्जैक्टली और मैंने इसको इस प्रकार राइट डाउन किया। नेक्स्ट देखो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है, और यहां से सिचुएशन को मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं, कैंसिल आउट हो गया इन दोनों को मैं वर्ग गुणा मतलब जो है आपस में गुणा कर देता हूं, ये इक्वेशन का बचेगा मेरे जो यहां पर बचेगा आपका आयोटा आपका k, ठीक है, प्लस आपका आयोटा k g अपॉन आपका f और आपका e की पावर माइनस टू अल्फा a इक्वल टू ये तो बचेगा हो जाएगा तो आपका अल्फा, ठीक है, माइनस आपका g अपॉन आपका f डॉट आपका अल्फा और e की पावर माइनस टू अल्फा आपका a होगा, ठीक हो गया। अब देखो मुझे g अपॉन f की वैल्यू को फाइंड आउट करना है,
ठीक है, तो क्या होगा, जी अपॉन एफ की वैल्यू इधर सेंड कर देता हूँ, इसको इस वैल्यू इधर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ बचेगा आपका आई होगा के जी अपॉन एफ आपका और ई की पावर माइनस टू अल्फा ए प्लस आपका ये वाला पोर्शन इधर से इधर प्लस में हो जाएगा आपका, वो होगा एग्जैक्टली आपका अल्फा जी अपॉन आपका एफ और ई की पावर माइनस टू अल्फा ए इक्वल टू इधर आपका अल्फा ऐसा कैसा रहेगा और एग्जैक्टली ये वाला जो होगा वो माइनस आयोटा के एग्जैक्टली इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर जी अपॉन एफ और ई की पावर माइनस टू अल्फा ए एग्जैक्टली कॉमन रख सकते हैं। देखो एग्जैक्टली इसका ध्यान रखना यहाँ पर हल्का सा कि जब मैंने e की पावर अल्फा ए ठीक है ये मैंने कॉमन लिया था तो यहाँ तो ये बना गया ना, ये जब यहाँ पे कॉमन होगा तो यहाँ पर ये फैक्टर है नहीं, तो ये इसके बटा में हो जाएगा, मतलब डिवाइड में हो जाएगा, और जैसे ही वो होगा डिवाइड में क्या होगा इसके ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ जी ठीक है अपॉन आपका एफ ठीक है और ई की पावर इसको भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ई की पावर माइनस टू अल्फा ए कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ क्या बचेगा जितने आपका आयोटा के बचेगा प्लस आपका अल्फा बचेगा, ठीक है इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा आपका अल्फा माइनस आयोटा के बचेगा। फिर यहाँ क्या बचेगा जितने जी अपॉन एफ निकाल सकता हूँ, जी अपॉन एफ निकाल दिया मैंने, ये इसकी नीचे चला जाएगा मतलब अल्फा माइनस आयोटा के अपॉन आपका आयोटा के और प्लस आपका अल्फा हो जाएगा और आप इसको नीचे भेज रहे, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो e की पावर आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है e की पावर 2 अल्फा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मैं थोड़ा चेंज करूंगा, मैं एग्जैक्टली इस फंक्शन को ऊपर नीचे आयोटा से गुणा करूंगा, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई। देखो एग्जैक्टली मैं यहां से आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या होगा बच्चों आपका जी अपॉन आपका एफ होगा इक्वल टू आपका ये देखो एग्जैक्टली यहाँ अल्फा को मल्टीप्लाई में आयोटा क्या होगा आपका आयोटा अल्फा को, यहाँ क्या होगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, उसका मतलब क्या हुआ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होने का माइनस वन होता है, यहाँ देखिए क्या आएगा आपका के है ना और आपका यहाँ प्लस आपका और आयोटा और अल्फा हो जाएगा, नीचे जितने क्या होगा आपका जितने मतलब यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस के हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू और यहाँ पर जो प्लस आपका आयोटा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसमें मैं चेंजेस करता हूँ, ठीक है, इसमें इस नीचे वाले पोर्शन माइनस कर इसमें कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और सॉरी ना इसमें ये फैक्टर चलता रहेगा e की पावर 2 अल्फा ए, यहां से क्या होगा जैसे माइनस k आपका प्लस आयोटा अल्फा, ठीक है, और यहां देखो जैसे क्या हुआ ये माइनस सिंबल बाहर ले लिया मैंने, यहां पे k क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहां पे जैसे कि माइनस का हो जाएगा और यहां जगह e की पावर 2 अल्फा ए, ये एग्जैक्टली अपन g अपॉन f के वैल्यू को अपन को फाइंड आउट किया जिस प्रकार अपन ने b अपॉन a के वैल्यू को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि b अपॉन a को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको एग्जैक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, b अपॉन एग्जैक्टली a को सॉल्व कर रहा हूं, सिंपल यहां देखो f k plus iota k को मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, यानी कि आपका f ठीक है i आपका k plus iota alpha ये एग्जैक्टली मैंने कॉमन लिया, ठीक है, ये जब मैं कॉमन लेता हूं यहां क्या बचेगा वन बचेगा वन प्लस आपका यहाँ क्या बचेगा जी अपॉन एफ हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जितने ये पोर्शन यहाँ पर है नहीं और एफ भी यहाँ पर नहीं, जिसके क्या हो जाएगा बटन चला जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जितने होगा आपका जी अपॉन आपका एफ, ठीक है, और ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी इसके पास है, क्या है एग्जैक्टली वो है आपका के माइनस आयोटा अल्फा इसके पास है और बटा में ये वाला आ जाएगा, ठीक है के प्लस आपका आयोटा अल्फा आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली मैं नीचे वाले पोर्शन में यही काम करूंगा, ठीक है, यहाँ पर क्या करूंगा एग्जैक्टली मैं यहाँ पर मैं कॉमन लूंगा एफ के प्लस आयोटा अल्फा कॉमन लूंगा, ठीक है, यहाँ देखिए मेरे पास एफ तो है लेकिन के प्लस आयोटा अल्फा नहीं है तो ये पोर्शन यहीं रह जाएगा और वो उसके बटा में लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एग्जैक्टली यहाँ जो पोर्शन क्या होगा ये आपका के माइनस आयोटा अल्फा ये और बटा आपका क्या होगा आपका के प्लस आपका आयोटा अल्फा हो जाएगा एग्जैक्टली आपका और यहाँ देखो एग्जैक्टली आपका प्लस जी है जी अपॉन एफ हो जाएगा आपका क्योंकि वहां पर एफ का टर्म आपके पास नहीं है जी अपॉन एफ हो जाएगा और के प्लस आयोटा अल्फा एग्जैक्टली आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा एग्जैक्टली आपका केवल यही वाला पोर्शन बचेगा जी अपॉन एफ आपका, ये आपको इक्वेशन मिला, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में
जी अपॉन एफ की वैल्यू का एडजेक्टिव को लोग यहाँ पर पुट करेंगे। देखो सिंपल क्या होगा, बी अपॉन आपका ए होगा, वो इसे क्या होगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही। यहाँ क्या बचा एग्जैक्टली आपका, यहाँ पर एग्जैक्टली आपका वन बचा है, ठीक है, वन प्लस ये वैल्यू एग्जैक्टली होगा, ये वैल्यू एग्जैक्टली वहां पर जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली माइनस में है, यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ एग्जैक्टली आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू क्या एग्जैक्टली आपका, वो है के, ठीक है, प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा और e की पावर 2 अल्फा, ए साथ में है इसके, ये हम रखेंगे, लेकिन पहले इसकी ये वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, k माइनस आयोटा अल्फा और आपका ये है k प्लस आपका आयोटा अल्फा और e की पावर 2 अल्फा ए, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्या होगा, इसका आप नीचे वाले लॉ का ये कैंसिल हो गया, यहां क्या ये वाला पोर्शन है और g अपॉन f की रखेंगे, k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा, ठीक है, और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहां से क्या आएगा, k प्लस आयोटा अल्फा अपॉन k माइनस आयोटा अल्फा और गुणा में क्या होगा, e की पावर 2 अल्फा a होगा। क्लियर हो गया ऐसे, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली सिंपली सोचो, ये देखो सिमिलर है, ठीक है, क्रॉस में है, बटा में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको ऊपर का पोर्शन क्या बचेगा, b अपॉन a इक्वल टू ये रहेगा 1 माइनस आपका e की पावर 2 अल्फा a और एग्जैक्ट ये एग्जैक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद देखो एग्जैक्टली यहां पर ये जो नीचे का पोर्शन है इसको देखो एग्जैक्टली मैं इन दोनों में करता हूं कॉमन लेता हूं, ठीक है, डिनोमिनेटर बनाता हूं, वो एग्जैक्टली क्या होगा, k प्लस आयोटा अल्फा k माइनस आयोटा अल्फा, ठीक है, यहां एग्जैक्टली में लगभग तो मिल जाएगा, ठीक है, k प्लस आयोटा अल्फा और एग्जैक्टली k माइनस आयोटा अल्फा, ठीक है। यहां क्या जाएगा आपके एग्जैक्टली k माइनस आयोटा अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा एग्जैक्टली आपका माइनस आपका k प्लस आयोटा अल्फा का एग्जैक्टली स्क्वायर हो जाएगा e की पावर 2 अल्फा a हो जाएगा। क्लियर हो गया इसका एग्जैक्टली, देखो ये वाला पोर्शन नीचे की ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहां देखो नीचे क्या होगा b अपॉन a आपका और ये पोर्शन देखो जब गुणा होगा, देखो ये a क्या है a प्लस b a माइनस b, तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये एग्जैक्टली ऊपर जाएगा, क्या होगा इसके यहां से आपका ये हो जाएगा आपका 1 माइनस e की पावर 2 अल्फा a और ये देखो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस आपका b स्क्वायर माइनस आपका b स्क्वायर, मतलब क्या होगा आयोटा का स्क्वायर और अल्फा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होती है माइनस वन होती है, तो एग्जैक्टली प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार एग्जैक्टली ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन को एग्जैक्टली आप एक्सपेंड करके खुद सॉल्व करना, मैं एग्जैक्टली इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा एग्जैक्टली आपका के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए माइनस 2 आयोटा अल्फा के आपका और एग्जैक्टली यहां पर होगा 1 प्लस ई की पावर 2 अल्फा ए, ये एग्जैक्टली जो होगा क्या होगा इसका एग्जैक्टली वैल्यू होगा, ठीक है। इसके बाद देखो एग्जैक्टली इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें देखो एग्जैक्टली इसका नेक्स्ट स्टेप भी एग्जैक्टली मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसका आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप खुद इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन किस प्रकार किया गया है, लास्ट जो रिजल्ट होगा वो एग्जैक्टली किस फॉर्म में होगा, एग्जैक्टली आपके साइन के फॉर्म में होगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या होगा मैं लिखता हूं, वो होगा आपका बी अपॉन ए बराबर आपका एग्जैक्टली वो इस प्रकार होगा, ये पोर्शन ऐसा कैसे रहेगा एग्जैक्टली आपका के स्क्वायर प्लस आपका अल्फा स्क्वायर, ये वाला पोर्शन कन्वर्ट होगा अब इसमें आपका साइन एच और आपका अल्फा ए, ये वाला पोर्शन ऐसा कैसे रहेगा एग्जैक्टली आपका के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये पोर्शन आपका साइन में हो जाएगा आपका साइन एच अल्फा ए, ये वाला माइनस होगा प्लस में हो जाएगा आपका 2 आयोटा अल्फा के और आपका ये हो जाएगा आपका कोस एच अल्फा ए, ये एग्जैक्ट हमारा बी अपॉन ए का सॉल्यूशन होगा। और इस सॉल्यूशन का प्लस पॉइंट क्या है कि प्रीवियस जो हमने सॉल्यूशन किया उसमें एफ और जी का वैल्यू ऐड था, इस वाले सॉल्यूशन में
बी अपॉन ए में कोई भी वैल्यू वहां पर एडेड नहीं है। देखो एग्जैक्टली नेक्स्ट जो अपन सॉल्व करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, सी अपॉन ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और हम नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन करेंगे।